रिटेलर को अपने इमेज और अपनी पोजीशनिंग को भी आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है जब वो अपनी रिटेल स्ट्रेटेजी को फॉर्म कर रहा होता है रिटेलर का इमेज क्या है रिटेलर की पोजीशनिंग क्या है एक्चुअली इट इज रिटेलर परसीव्ड वैल्यू रिटेलर परसीव्ड इमेज इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर है कस्टमर रिटेलर को कहा पोजिशन करते हैं कस्टमर रिटेलर को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस कहां रैंक करते हैं दिस इज एक्चुअली अ रिटेलर पोजिशनिंग जो की ऑफकोर्स रिटेलर का एक इमेज फॉर्म करती है इन आईज़ ऑफ दी कस्टमर तो जब हम बात करते हैं इमेज एंड पोजिशनिंग के हवाले से तो रिटेलर दो तरह की अप्रोचेस को नॉर्मली लेके चल रहे होते हैं फर्स्ट अप्रोच इज मैस मर्चेंडाइजिंग अप्रोच एंड सेकेंड अप्रोच इज नीश रिटेलिंग अप्रोच जब हम मैस मर्चेंडाइजिंग अप्रोच की बात कर रहे होते हैं सो so ये एक ऐसी पोजीशनिंग अप्रोच है वेयर बाय अ रिटेलर ऑफर अ डिस्काउंट और वैल्यू ओरिएंटेड इमेज अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड अ लार्ज स्टोर फेसिलिटी तो मैस मर्चेंडाइजिंग केस के अंदर तीन मेजर बातें यू विल ऑब्जर्व कस्टमर पोजीशन कर रहा होगा रिटेलर को कि ये बहुत डिस्काउंटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं या कस्टमर के जहन में होगा कि आई नॉर्मली गेट वैल्यू फॉर मनी इफ आई बाय फ्रॉम दिस स्टोर सो दिस इज द फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग असॉर्टमेंट की डेप्थ एंड विथ कस्टमर जो है वो पोजीशन करता होगा कि दे हैव वाइड असॉर्टमेंट एंड दिस रिटेलर हैज डीप असॉर्टमेंट एंड थर्ड इज अबाउट द फेसिलिटी ऑफ द स्टोर वो एक लार्ज फेसिलिटी होती है इस तरह के रिटेल स्टोर की जब जो मैस मर्चेंडाइजिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा होता है दूसरी तरह का जो रिटेलर है जिसके बारे में हमने बात की कि वो नीच रिटेलिंग को फॉलो कर रहा होता है ये रिटेलर आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट जो कि डिप्लॉय करते हैं यूनिक स्ट्रेटजीज ताकि उनकी डिजायर्स को मीट किया जा सके रादर देन के मैस मार्केट को टारगेट करें तो एक नीश सेगमेंट को टारगेट किया जाता है इस तरह के रिटेलर्स की तरफ से ताकि अगर रिटेलर का टारगेट यह है कि वो अप स्केल कस्टमर्स को टारगेट करना चाहता है या वो बॉटम स्केल कस्टमर को टारगेट करना चाहता है तो अल्टीमेटली वो किसी एक नीच के ऊपर काम करेगा सो तो उसको पता होगा मैंने टारगेट किसको किया है तो रिटेलर के लिए अपनी पोजीशन को पोजीशन अप्रोच को आइडेंटिफाई करना क्लियर करना बड़ा जरूरी होता है बिकॉज दैट विल डिफाइन द इमेज ऑफ द रिटेलर पोजिशन ऑफ द रिटेलर इन द माइंड ऑफ द कस्टमर हमारे पास कुछ सिलेक्टेड रिटेल पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज हैं मैं क्विकली आपसे शेयर करता हूं इसके बारे में एक ओवर व्यू सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के स्टोर्स हैं जो डिफरेंट तरह की पोजीशनिंग के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल प्राइसिंग एंड सर्विस के हवाले से सो द वन हु विल ऑफर लेट्स से हाई प्राइसेस एंड मोर सर्विसेज द वन हु विल बी ऑफरिंग यू नो लेस प्राइसेस एंड मे बी कोर्स लेस लेवल ऑफ सर्विसेज तो अगर हम सबसे पहले परस्पेक्टिव uh, के अंदर बात करें तो हमारे पास डिस्काउंट स्पेशलिटी स्टोर की पोजिशनिंग है कि वो रिटेलर्स जो कि इनकी पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी होती है कि दे विल हैव अ डिस्काउंट स्पेशलिटी स्टोर विच मीन्स द कस्टमर विल बी पोजिशनिंग दैम फॉर देअर लो प्राइसेज द कस्टमर विल बी पोजिशनिंग दैम फॉर देयर लेस ऑफरिंग ऑफ द प्रोडक्ट सिलेक्टेड ऑफरिंग ऑफ द प्रोडक्ट और ऑफ कोर्स उसकी बेसिस के ऊपर दे विल बी कंसिडर्ड एज अ डिस्काउंट स्पेशलिटी स्टोर इसी तरीके से इसके कंट्रास्ट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास अप स्केल स्पेशलिटी स्टोर है सो अप स्केल स्पेशलिटी स्टोर वो हैं जो कि ऑफ कोर्स दे आर स्पेशलिटी स्टोर तो दे हैव लेस द प्रोडक्ट लाइन विच मीन्स दे विल बी ऑफरिंग लेस नंबर ऑफ आइटम्स बट

इसी तरीके से अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूं तो हमारे पास डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर की एक एग्जाम्पल्स है ये वो रिटेल स्टोर है जो के डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं विच मीन्स दे विल बी ऑफरिंग मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स इन मोर ऑफ द डिपार्टमेंट्स हाउ एवर प्राइसिंग विल बी लोअर नॉट लोअर एज कंपेयर टू मेंबरशिप क्लब्स बट ऑफकोर्स दे विल बी ऑफरिंग लेस

सो नॉर्मली बैलेंस रिटेलर जो है वो एक पावर रिटेलर होता है जो कि विथ एंड डेप्थ ऑफ असॉर्टमेंट भी मॉडरेट लेवल की ऑफर कर रहा होता है जो कि प्राइसिंग एंड सर्विसेज भी मॉडरेट लेवल की ऑफर कर रहा होता है और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दे विल बी ऑफरिंग वैल्यू टू द कस्टमर ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनको पोजिशन कर सके अपने माइंड में एज द फर्स्ट चॉइस फॉर देयर शॉपिंग